पश्चिम बंगाल में एंटी रेप बिल बना ममता बनर्जी के गले की फांस। राज्यपाल के बाद क्या अब राष्ट्रपति मुर्मू लेगी एक्शन? क्या ममता का बिल ठोकेगी राष्ट्रपति मुर्मू? पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के अपराजिता बिल यानी एंटी रेप बिल पर लगातार सियासी तकरार जारी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने अपराजिता विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है, यानी इस बिल को लेकर लगातार तकरार चल रही थी। ममता बनर्जी सरकार का आरोप यह था कि राज्यपाल जानबूझकर इस बिल को रोक रहे हैं, लेकिन अब टेक्निकल रिपोर्ट आने के बाद राज्यपाल ने इस बिल को पढ़ा और उसके बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास ये बिल भेज दिया है। ये बड़ी अपडेट जो है वो पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही है। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल के इस अपराजिता बिल पर विचार करेगी। हालांकि इससे पहले राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता सरकार के इस एंटी रेप बिल पर कई सवाल उठाए थे। उन्होंने ये कहा था कि इस बिल में कई खामियां हैं और आनंद फानंद में ममता सरकार ये बिल लेकर आई, लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार को सलाह दी थी कि वो जल्दबाजी में काम ना करें, अपना होमवर्क पूरा करें। ये राज्यपाल सीपी आनंद बोस ने इस अपराजिता यानी एंटी रेप बिल को लेकर ममता बनर्जी सरकार को सलाह दी थी, क्योंकि आनंद फानंद में इस बिल को विधानसभा से तो ममता बनर्जी सरकार ने पास करा दिया, लेकिन उसके बाद जब ये बिल राज्यपाल के पास भेजा गया तो टेक्निकल रिपोर्ट नहीं भेजी गई थी, जिसको लेकर राज्यपाल ने इस बिल को पास नहीं किया, इस बिल को रोक दिया था। और जैसे ही अब टेक्निकल रिपोर्ट सामने आई तो राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अब राज्य सरकार से जरूरी टेक्निकल रिपोर्ट मिलने के बाद इस बिल को आगे बढ़ा दिया है। यानी अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास ममता सरकार का ये बिल पहुंच चुका है, लेकिन अब निगाहें इस बात पर टिकी है और सवाल ये है कि क्या अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस बिल को पास करेंगी या फिर नहीं? ये बिल कानून बनेगा पश्चिम बंगाल में या नहीं, ये बड़ा सवाल है जिसको लेकर कई सवाल जो है हर किसी के मन में है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जो जघन्य कांड जो है ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर है। ममता बनर्जी उल्टा सरकार यानी केंद्र सरकार पर ही तमाम आरोप लगा रही है, लेकिन जिस तरीके से वो खुद घिरी हुई है, उनकी तमाम जो कहीं ना कहीं कड़ियां हैं इस पूरे केस में निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके से चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, सवाल और उंगलियां अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी उठ रही है, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास था, और संदीप घोष जो कि उस आर्चिकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था उस वक्त जब ये पूरी वहां पर दरिंदगी उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई, तो उसकी जो कहीं ना कहीं कनेक्शन है वो लगातार ममता बनर्जी और उनके करीबियों से निकलकर सामने आ रहे हैं। तो ये तमाम कहीं ना कहीं खुलासे हैं जो ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, और इसी से बचने के लिए कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी ये जल्दबाजी में एंटी रेप बिल वहां पर लेकर आई, विधानसभा का सत्र बुलाया और उसमें इस बिल को पास करा दिया गया। अब चूंकि इस तरीके से ये जघन्य कांड लगातार पश्चिम बंगाल में बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि वहां पर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन यहां पर सवाल एक और उठता है, वो ये कि एक तरफ ममता बनर्जी इन अपराधियों को बचा रही हैं, एक तरफ रिपोर्ट आती है कि पश्चिम बंगाल में जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट है दरअसल वो नहीं चलाई जा रही है, वहां पर करीब करीब 40,000 से ज्यादा ऐसे केसेस हैं रेप के जो पेंडिंग पड़े हैं, और उल्टा ममता बनर्जी इस तरीके का बिल लेकर आती है, यह कहती है कि जल्द से जल्द मामलों का निपटारा हो, 36 दिन के भीतर जो है इस मामले का निपटारा हो, फांसी की सजा हो, यह तमाम प्रावधान इस एंटी रेप बिल में है। लेकिन ममता बनर्जी की कहीं ना कहीं नियत पर सवाल उठते हैं, क्योंकि एक तरफ वो अपराधियों का बचाव करती हैं, दूसरी तरफ वो ऐसा एंटी रेप बिल लेकर आती हैं जिसमें इस तरीके के प्रावधान हैं। तो यही वजह है
है कि लगातार बीजेपी भी इस पर सवाल उठा रही है और क्या कुछ बीजेपी के नेता जो है दिलीप घोष उनकी तरफ से कहा गया है इस पूरे मामले को लेकर, और जो राज्यपाल पर उंगली टीएमसी उठा रही है उसको लेकर जरा सुनिए। सब में संदीप घोष है, जितना भी अनियमितता चल रहा था, जितना भी करप्शन और बाद में उस हिंसा, ये सारा में उनका बहुत बड़ा एक भाग है, इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए जिस प्रकार और लोगों के पास से तथ्य मिलेगा और मुझे लगता है कि उनके साथ साथ जुड़े हुए लोग भी उजागर होंगे, जिस प्रकार उन्होंने स्टेटमेंट दिया अब पता चल रहा है कि वो गलत था, और पीड़िता के माता पिता भी जिस प्रकार खंडन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इंक्वायरी आगे बढ़ेगा और तथ्य आया होगा सीबीआई के पास, वो धीरे धीरे उजागर हो जाएगा। विक्टिम का मदर बोल रहा है कि जो एविडेंस है वो बाद नहीं, अभी भी और भी लोग हैं जो अभी तक डरे हुए नहीं बोल रहे थे, और बहुत सारे लोग जुड़े हुए जानते भी हैं, वहाँ के डॉक्टर जानते हैं, जूनियर डॉक्टर भी जानते हैं कौन जुड़े हुए, तो धीरे धीरे जैसे कि लोगों का हिम्मत बढ़ रहा है, लोग बोलना शुरू किया है, और उसी प्रकार बहुत सारा ऑडियो वीडियो भी आ रहा है और भी तथ्य आएगा जिसमें इस केस को सुलझाने में और सुविधा होगा। तो आपने दिलीप घोष को सुना, बीजेपी के लीडर हैं जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि राज्यपाल ने अपने जो कहीं ना कहीं हैंडल है उस पर ट्वीट किया है और इस बात की जानकारी उन्होंने दी है कि टेक्निकल रिपोर्ट जो है वो नहीं भेजी गई थी। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जल्दबाजी में यह बिल ममता सरकार लेकर आई है, इसमें कई खामियां हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है, जल्दबाजी में लिया गया फैसला जाहिर तौर पर गलत हो सकता है। तो ऐसे में ये तमाम सवाल, तमाम विफलता जो ममता सरकार की रही है उसको लेकर राज्यपाल अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। हालांकि उसके बाद मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल के इस बयान के बाद अब ममता सरकार की तरफ से जो उनके नेता हैं, दरअसल उनका गुस्सा राज्यपाल पर फूटा है। हम बात कर रहे हैं टीएमसी के नेता कुणाल घोष की, जिनका बयान सामने आया। कुणाल घोष कह रहे हैं कि जानबूझकर राज्यपाल इस बिल को पास नहीं होने देना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी रणनीति बना रहे हैं। उल्टा उन्होंने राज्यपाल को घेर लिया और कहा कि राज्यपाल खुद जो है ऐसे मामलों में फंसे हुए हैं, इसलिए वो इस तरीके से इस बिल को रोकना चाहते हैं। क्या कुछ कुणाल घोष की तरफ से कहा गया है जरा सुनिए। गवर्नमेंट शुड क्लियर द अपराजिता बिल अर्जेंटली बिकॉज दिस इज अ मॉडल बिल फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ women and the toughest steps against crime against women. So whenever the assembly of West Bengal passed the bill, governor should clear that immediately, but he is taking a strategy for delay. There may be some technical issues, etc., that will be cleared. But Governor, Honorable Governor, should clear the bill immediately and urgently. If he doesn't do so, if he tries his best to make delay, then the question may arise that as there are some allegations against him, that's why he is making such delay and he is trying to make some disputes in this bill. So, Governor, we request Honorable Governor, kindly clear the bill as early as possible. He also said during the Adhikar issues that Mamata Banerjee government is trying to malign the people and law and order situation is not in proper control. It will be better for him not to speak about this issue related to women's safety because governor himself, there are serious allegations, at least two allegations against this governor related to this kind of activities. So he is taking the constitutional protection and he is avoiding the investigation. So, avoiding investigation, keeping himself out of investigation, and he is commenting on this kind of subject, he should avoid these points. So,
जो घटनाएं पश्चिम बंगाल में हो रही हैं, जो जघन्य कांड पश्चिम बंगाल में हुआ है, ये पूरी तरीके से राज्य सरकार की और वहां की मुख्यमंत्री की विफलता है। लेकिन उसके बावजूद टीएमसी जिस बेशर्मी के साथ इस मामले को लेकर तीखी बहस कर रही है, जो आरोप प्रत्यारोप वो लगा रही है, जिस तरीके से राजनीतिक धमकियां वो दे रही हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रही हैं, ये तमाम चीजें बताने के लिए काफी हैं कि ममता बनर्जी की नीयत क्या है इस बिल को लेकर। ममता बनर्जी क्या चाहती हैं? वो सिर्फ चाहती हैं कि उनकी सरकार जो मुश्किल में फंसी है, वो दरअसल इस बिल के आने से कहीं ना कहीं उस पर लगा वो दाग मिटे, और यही कोशिश ममता बनर्जी की है। क्योंकि फिलहाल जो खुलासे सीपीआई ईडी के जरिए अब इस पूरे मामले में हो रहे हैं, जो संदीप घोष फिलहाल ईडी की गिरफ्त में है, जो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं तमाम चीजें जो है वो ममता बनर्जी के करीब पहुंच रही है इस मामले में, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री वही है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में यह देखना होगा कि क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस बिल को पास करती है या नहीं करती है, क्योंकि खुद राष्ट्रपति इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी को एक तरीके से फटकार लगा चुकी है। उन्होंने कहा था कि अब बस बहुत हो गया, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू में भी भयावह गुस्सा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। तो अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ इस पूरे बिल को लेकर जो है फैसला राष्ट्रपति का आता है, और क्या ये कानून बनता है या फिर ये बिल अटक जाता है, और ममता बनर्जी की फजीहत और ज्यादा इस मामले को लेकर बढ़ने वाली है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, वे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।